नमस्कार, स्वागत है आपका विद्या लाइव के न्यूज बुलेटिन पर। यह है इस न्यूज बुलेटिन की प्रमुख खबरें। शिक्षक और सपोर्ट स्टाफ की भर्ती, झारखंड में जेई सहित अन्य पदों पर मौके, बिहार में 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती। दोस्तों, विद्या लाइव आपको शिक्षा जगत से अपडेट रखता है, बस आप विद्या लाइव को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं हूँ कुमार विजेंद्र। अब खबरें विस्तार से। शिक्षक और सपोर्ट स्टाफ की भर्ती। केंद्र सरकार अगले 3 सालों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में 38,800 शिक्षकों और सपोर्ट स्टाफ के पदों पर बंपर भर्ती करने जा रहा है। इसके तहत 740 एकलव्य स्कूलों के लिए टीचर्स और सपोर्ट स्टाफ नियुक्त किए जाएंगे। झारखंड में जेई सहित अन्य पदों पर मौके। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से JSSC डिप्लोमा लेवल कंबाइंड कंपेटिटिव एग्जामिनेशन या JDLCCE 2023 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके माध्यम से जूनियर इंजीनियर सहित विभिन्न पदों के 1,551 पोस्ट पर नियुक्तियां की जाएंगी। जो अभ्यर्थी इस भर्ती में भाग लेना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 11 जुलाई 2023 तय की गई है। बिहार में 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले राज्य के तमाम विद्यालयों में विभिन्न स्तरों पर कुल 1,70,461 शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC द्वारा आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in और ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in पर शुरू की गई है। इस भर्ती प्रक्रिया की अंतिम तिथि 12 जुलाई है। दोस्तों, यह तो थी आज के न्यूज बुलेटिन की प्रमुख खबरें और विस्तार। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं या विद्या लाइव की ऑफिशियल ईमेल आईडी info@vidyalive.com पर लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।